हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिता मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई लेक्चर सीरीज़। इस सीरीज़ में ये एक लेक्चर नहीं होगा, इसी तरीके से बहुत सारे लेक्चर्स होंगे जिनमें कि हम यूनिवर्सिटी में बीटेक एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की एक सीरीज़ है। इसके थ्रू जो कमिंग बीटेक एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप अच्छा कर पाएंगे और पेपर में क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आप जान पाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम पेपर को देख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर को, फिर इसका सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से 2019-20 का बीटेक एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लेकर चल रहा हूँ, सेम फर्स्ट सेमेस्टर का, मैथमेटिक्स फर्स्ट का। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, इसमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न को भी हम देखते हैं। इसमें सेक्शन ए रहेगा जिसमें कि ऑल क्वेश्चंस होंगे जो कि अटेम्प्ट करने होंगे और कोई चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस, और ईच क्वेश्चंस कंटेन मार्क्स टू, कैरी मार्क्स टू, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ओवरऑल ये क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो 2 × 10 मीन्स 20 मार्क्स का ये सेक्शन ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका सेक्शन ए ही क्वेश्चन पेपर का डिस्कस कर रहे हैं करेंगे। नेक्स्ट फिर सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी थ्री ऑफ फॉलोइंग, इस तरीके से सेक्शन बी में कोई 3 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन हैं, तो 5 में से कोई 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पर अटेम्प्ट करने होंगे सेक्शन बी में, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो ये यूनिवर्सिटी का पैटर्न है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स ईच, और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने होंगे 10 मार्क्स ऑफ ईच, दैट मीन्स सेक्शन बी जो है वो 10 × 3 दैट मीन्स 30 मार्क्स का रहेगा। और इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो इसी के सेक्शन सी की अगर हम बात करें, तो ये जो सेक्शन सी है, इस सेक्शन सी में आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन सी में टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कि 2 पार्ट्स हैं ए एंड बी। इन दोनों पार्ट्स में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, एनी ऑफ 1 पार्ट, और ईच पार्ट इज ऑफ 10 मार्क्स, मीन्स एक क्वेश्चन करना है आपको। 3 में ए और बी 2 पार्ट्स हैं, तो 2 में से कोई एक करना है वो 10 नंबर का होगा। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में भी 2 पार्ट होंगे क्वेश्चन 4 में ए और बी, और क्वेश्चन 4 में ए और बी में से कोई एक करना है और 10 नंबर का है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6 and 7, दैट मीन्स सेक्शन सी में अगर हम देखें तो 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन हैं, और हर एक सेक्शन हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं ए एंड बी, और उनमें से हर एक पार्ट में से एक एक आपको पार्ट करना है। दैट मीन्स 3, ये जो 5 क्वेश्चन हैं 5 × 10 दैट मीन्स 50 मार्क्स का हो गया। तो सेक्शन सी आपका 50 मार्क्स, सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स, और सेक्शन ए 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से टोटल अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो वो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 मार्क्स का है हर एक क्वेश्चन, उसमें पहला क्वेश्चन है शो दैट द वेक्टर्स 1, 6, 4, 0, 2, 3 and 0, 1, 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये जो 3 वेक्टर्स हैं हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने हैं, तो क्वेश्चन ये 2 मार्क्स का है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कैसे शो करेंगे, पहले तो इसको हम कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर ये जो 3 वेक्टर्स हैं, अगर हम इस वेक्टर को x1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं और इसको x3 बोलते हैं, तो ये जो 3 वेक्टर्स हैं इनको हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर अगर कोई भी हमें गिवन है और उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स शॉर्ट में li बोलते हैं, और ld यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ चेक करना है, तो पहले हमें जो भी गिवन वेक्टर्स हैं उनको कॉलम वाइज अरेंज करते हुए, जैसे 1, 6, 4 है इसको फर्स्ट कॉलम में अरेंज किया, 0, 2, 3 है ये सेकंड कॉलम अरेंज किया, और 0, 1, 2 है ये 0, 1, 2 थर्ड कॉलम में अरेंज किया, और एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं। स्टूडेंट, अगर इस मैट्रिक्स को अगर हम ए बोलते हैं और वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, एल डी हैं, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक को रो से डिनोट करते हैं, रो ऑफ ए शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और अगर वेक्टर्स li है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स रैंक ऑफ कोफिशियंट मैट्रिक्स जो भी है वो एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ वेक्टर्स के। तो ये कंडीशंस हैं आपको ध्यान रखनी है कि अगर वेक्टर्स जो गिवन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम होनी चाहिए, और वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो रैंक नंबर ऑफ वेक्टर के एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो रैंक नंबर ऑफ वेक्टर के इक्वल होगी, और लीनियरली डिपेंडेंट है तो रैंक नंबर ऑफ वेक्टर से लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर रैंक नंबर ऑफ वेक्टर से वेक्टर्स को हमें चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स रैंक जो है वो
एग्जैक्टली किसके इक्वल आनी चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो नंबर ऑफ वेक्टर दैट मीन्स 3 के, और रैंक 3 के इक्वल है तो इसका मतलब इसके कोफिशिएंट का जो डिटरमिनेंट है वो जीरो नहीं होगा। रैंक की डेफिनेशन यही कहती है कि अगर कोई नंबर रैंक हो रहा है, होना है, तो उस ऑर्डर का डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो सिर्फ आपको सिंपल सी ये बात करनी है, जो गिवन वैक्टर्स हैं उनको कॉलम वाइज अरेंज करना है, उसका मैट्रिक्स बनानी है, और अगर वैक्टर एल आई शो करने हैं तो एल आई होने के लिए इसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो आना चाहिए। तो हमने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करा, तो ये सॉल्व करके ओवरऑल वैल्यू आपकी 1 आ जा रही है, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। और अगर मैट्रिक्स के लिए जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कितने बाय कितने का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 का, तो 3x3 का डिटरमिनेंट 0 नहीं बन रहा है, तो रैंक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो रैंक है एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगी, 3 के। और रैंक यहां पर किसके इक्वल आ रही है, नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल आ रही है। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया था नंबर ऑफ वेक्टर भी 3 है, तो रैंक अगर नंबर ऑफ वेक्टर के इक्वल आ जाए तो वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसलिए ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको बस इतना करना है, जो गिवन वेक्टर्स है उनको कॉलम वाइज अरेंज करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगर डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आता है तो इट मीन्स जो है रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स की किसके इक्वल हो जाएगी, डिटरमिनेंट के ऑर्डर के, और ऑर्डर डिटरमिनेंट का कितना है, 3, तो रैंक 3 हो जाएगी, और नंबर ऑफ वेक्टर भी कितने हैं, 3। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ वेक्टर दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो वेक्टर्स क्या होते हैं, एल आई। और अगर ये 0 हो जाता दैट मीन्स रैंक 3 से लेस होगी, यानी कि 2 या 1, तो उस केस में रैंक नंबर ऑफ वेक्टर से लेस हो जाने की वजह से वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, एलडी। तो आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि अगर वेक्टर एलआई प्रूफ करने हैं तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक किसके इक्वल आनी चाहिए, नंबर ऑफ वेक्टर के, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करने हैं तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेक्टर से लेस आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 1 का बी पार्ट। बी पार्ट यहां पर क्या कहता है, डिफाइंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को डिफाइन करना है कि लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। तो स्टूडेंट लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है देख लेते हैं। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि एक फंक्शन एफएक्स, कोई भी फंक्शन एफएक्स जो कि डिफाइंड हो किसमें, डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल सिंपल ये स्टेटमेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि कोई फंक्शन एफएक्स तीन बातें सेटिस्फाई कर जाए, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, और बाउंड्रीज पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आती है, तो एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा इंटरवल ए और बी के बीच में जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, इसे लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम या शॉर्ट में मीन वैल्यू थ्योरम ओनली भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट अब हम देखते हैं। 1 के सी पार्ट में क्या कह रहा है, इफ यू इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस वाई, वी इज इक्वल टू एक्स वाई, देन हमें ये डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई निकालना है। दैट मीन्स ये क्या है, दिस इज स्टूडेंट जैकोबियन, दिस इज जैकोबियन ऑफ किसका जैकोबियन है, यू वी का, विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, ये एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। तो जैकोबियन अगर हमें यू वी का एक्स वाई के, तो जो हमने डिस्कस किया जैकोबियन की डेफिनेशन कहती है कि यू वी का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो जैकोबियन ऑफ यू वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई किसके इक्वल होगा, एक डिटरमिनेंट के, यानी कि सारणिक की वैल्यू के, तो इस डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। इस डिटरमिनेंट में कैसे याद रखना है, जो सबसे पहले आपको जैकोबियन में ऊपर दिख रहा है यहाँ पर न्यूमरेटर में यू दिख रहा है, तो यू का पार्शल डेरिवेटिव आएगा नीचे वाले दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट रो में, तो यानी कि u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट रो में, और u का ही y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आएगा सेकंड रो फर्स्ट रो में ही। उसके बाद सेकंड रो में क्या आएगा, जो ऊपर न्यूमरेटर में सेकंड टर्म है v, उसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा पहले x के रेस्पेक्ट में, फिर उसी का ही v का y के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये डेरिवेटिव निकालने और वैल्यू पुट कर देनी है। स्टूडेंट हम पहले अब डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर यू की वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो यू किसके इक्वल है, अगर हम अंदर इंटू कर दें तो एक्स माइनस एक्स वाई। तो अब अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं u का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो स्टूडेंट ध्यान रखिए जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो ये तो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स वाई का भी डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, पार्शियल x के रेस्पेक्ट में। स्टूडेंट तो जब हम x का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो फार्मूला कहता है किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, माइनस जब हम एक्स वाई का x के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो पार्शियल डेरिवेटिव को ऐसे डेल से डिनोट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसे छोड़कर बाकी वेरिएबल जो भी रहेंगे वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y कॉन्स्टेंट रहेगा, और कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट में होता है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, इसलिए y बाहर आ जाएगा, और ये x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो ये क्या रहता है, 1 माइनस y इनटू 1, दैट मींस 1 माइनस y।
तो यहाँ से सॉल्व करके डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाती है हमें, 1 माइनस वाई मिल जाती है, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है। इसी तरीके से u का y के रेस्पेक्ट में, इसी u का जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट, u की वैल्यू ये आई है हमारी x माइनस एक्स वाई, जब हम इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x वाली टर्म कॉन्स्टेंट रहेगी, इट मीन्स जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, x के साथ भी और इस वाली टर्म के साथ भी y के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। माइनस एक्स वाई का करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो x वाली टर्म कांस्टेंट है बाहर, और y का y के रेस्पेक्ट में 1, ओवरऑल सॉल्व करके माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस एक्स आ गई। सेम इसी तरीके से हम डेल वी अपॉन डेल एक्स जब वाई आ जाएगा ये वैल्यू होगी, ऐसी डेल वी अपॉन डेल वाई निकाला और उसके बाद इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होगा, ये दोनों की प्रोडक्ट माइनस ये दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स इंटू वन एक्स माइनस एक्स वाई, और इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस एक्स वाई आएगा, पर उसे माइनस करना है तो ऑलरेडी एक माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, सॉल्व करके एक्स ये जैकोबियन आ गया। तो स्टूडेंट ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, जैकोबियन यू वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई सॉल्व करके कितना आ गया एक्स। जैकोबियन को डिनोट करने का, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और एक ये नोटेशन भी है जे यू वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हम डी पार्ट यहां पर डिस्कस करेंगे। डी पार्ट क्या कहता है, शो दैट द वेक्टर वी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाई आई कैप प्लस वाई माइनस 3 जेड जे कैप प्लस एक्स माइनस 2 जेड के कैप इज सोलिनोइडल। तो ये वेक्टर वी हमें दिया हुआ है, इसको सोलिनोइडल शो करना है। क्वेश्चन है शो दैट द वेक्टर वी इज इक्वल टू दिस इज सोलिनोइडल, तो क्वेश्चन हमारा ये था। तो हमने अभी डिस्कस किया कोई भी वेक्टर सोलिनोइडल शो करना है तो उसका डाइवर्जेंस 0 आना चाहिए। डाइवर्जेंस निकालने के लिए पहले वेक्टर वी हमें ये गिवन है, एक्स प्लस 3 वाई आई कैप प्लस वाई माइनस 3 जेड जे कैप प्लस एक्स माइनस 2 जेड के कैप। अगर वेक्टर वी सोलिनोइडल होगा तो उसका डाइवर्जेंस 0 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं 0 आ रहा है नहीं आ रहा, तो डाइवर्जेंस ऑफ वी निकालेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, डेल डॉट वी के। डेल ऑपरेटर आप लोगों को मैंने अभी बताया किसके इक्वल होता है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, ये डेल ऑपरेटर का फार्मूला है। डॉट वी वेक्टर जो हमें गिवन था वो ये था, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप जानते हैं आई और आई की डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, आई डॉट जे की 0 हो जाएगी, आई डॉट के भी 0, यानी कि आई और जे जो डिफरेंट टाइप के यूनिट वेक्टर्स हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी और सेम वाले की 1 हो जाएगी। इसी वजह से हमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करने की सिर्फ किसकी ज़रूरत है, सेम वालों की, क्योंकि बाकी तो 0 होनी है। तो इसकी और इसकी आई वाली टर्म की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1 हो जाएगा, और ये डेल ओवर डेल एक्स डेरिवेटिव इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो कितना आएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 वाई। इसी तरीके से ये जे वाली टर्म की जे से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जे वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगी, और ये डेरिवेटिव डेल ओवर डेल वाई इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाई माइनस 3 जेड पर, तो ये टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से के डॉट के 1 हो जाएगा और डेल ओवर डेल जेड डेरिवेटिव ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स माइनस 2 जेड पर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर हम डिफरेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में, टर्म का 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है एक्स को छोड़कर बाकी सारे टर्म कॉन्स्टेंट रहेगी, तो ये वाई वाली टर्म कॉन्स्टेंट रहेगी इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 प्लस 0 दैट मीन्स ये टर्म 1 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई को छोड़कर जो भी है वो कॉन्स्टेंट रहेगा और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में वाई वाले टर्म का करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस वाई के रेस्पेक्ट में इस टर्म का करेंगे तो ये 3 जेड है, इसमें वाई इन्वॉल्व ही नहीं है तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यानी कि ये भी सॉल्व करके 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको डिफरेंशिएट जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाली टर्म कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस इस वाली टर्म का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 कॉन्स्टेंट और जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1, ओवरऑल 0 माइनस 2 यानी कि -2 आ जाएगा। टोटल को अगर हम सॉल्व करें तो देख सकते हैं 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस 2 कैंसिल आउट होकर 0 आ गया, डाइवर्जेंस 0 आ गया, इट मीन्स जो वेक्टर वी है वो क्या हो गया, सोलिनोइडल हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा यहाँ पर हम स्टेप मार्किंग भी बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व होता है, सॉल्यूशन होता है, तो उसमें मार्किंग किस तरीके से दी जाती है, स्टेप मार्किंग। तो यहाँ तो ये एक ही क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो उसमें स्टेप ज़्यादा लेंदे नहीं है, आंसर तक ही 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसमें भी अगर हाफ ये फार्मूला लिख देते हैं तो 1/2 मार्क्स इसके और सॉल्यूशन करने के फिर 1/2 मार्क्स, टोटल मिलाकर 1 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ई पार्ट में, यहाँ पर वो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सो दैट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। ये यहाँ पर एक टर्म यहाँ पर है बी जो मिसिंग है, इस बी की वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को कहा है कि बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि इस मैट्रिक्स ए की रैंक 2 के इक्वल। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया भी अभी कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कोई नंबर अगर 2 होनी है, जैसे 2 है या 3 है, तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक अगर कोई नंबर होना है तो उस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो रैंक होनी है उस ऑर्डर से हायर ऑर्डर के जितने भी डिटरमिनेंट बनेंगे वो सारे 0 होने चाहिए और एग्जैक्टली उस नंबर के बराबर ऑर्डर का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए।
मीन्स कहने का मतलब यह है कि अगर इस ए मैट्रिक्स की रैंक दो होनी है तो दो से बड़े ऑर्डर के जितने भी डिटरमिनेंट इसमें बनेंगे 3x3 के 4x4 के वो सब तो जरूर जीरो होंगे। रैंक ये जानकारी देती है कि अगर इस मैट्रिक्स की रैंक टू है तो इसका मतलब दो से बड़े ऑर्डर के जो भी डिटरमिनेंट इसमें से बन सकते हैं मैट्रिक्स में से वो सभी ऑर्डर के जीरो होंगे और दो ऑर्डर का टू ऑर्डर का एटलीस्ट वन जो है वो नॉन जीरो होगा, ये रैंक की डेफिनेशन कहती है। तो अगर हमसे कहा गया है कि बी की वैल्यू फाइंड आउट करो जिससे कि इसकी रैंक टू हो जाए तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि टू रैंक होनी है तो दो से बड़े ऑर्डर का डिटरमिनेंट जीरो होगा, दैट मीन्स 3x3 का डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो 3x3 के इसमें से एक ही ये डिटरमिनेंट बन सकता है तो इस टोटल डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल रख देंगे क्योंकि रैंक टू बोल रहा है तो 3x3 का डिटरमिनेंट जीरो आएगा। तो करते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सो दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज टू। तो हमने सबसे पहले गिवन है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल है, टू के इक्वल। तो रैंक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि रैंक टू है तो इसका मतलब टू से ग्रेटर ऑर्डर का डिटरमिनेंट जीरो होगा और हमारे पास ए मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की दी हुई है, 3x3 की। इट मीन्स मैक्सिमम कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन सकता है, 3x3 का। तो इट मीन्स अगर रैंक टू है तो टू से बड़ा ऑर्डर, दैट मीन्स 3x3 का डिटरमिनेंट जीरो होगा, इट मीन्स मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट जीरो होगा। इस डिटरमिनेंट को बस आपको जीरो के इक्वल रख देना क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है रैंक टू है तो 3x3 का डिटरमिनेंट जीरो जरूर होगा, इसको जीरो के इक्वल रख देना। यहां से हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बी में बन जाएगी और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर 3/5 ये वैल्यू आ जा रही है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर आप इतनी बात ही लिख सकते हैं एग्जाम में तो आपको 1/2 मार्क्स मिल जाएंगे, यहां तक सॉल्यूशन कर सकते हैं तो आपको 1/2 और मिल जाएंगे, टोटल मिलाकर 1 मार्क्स में ये स्टेप मार्किंग कंप्लीट होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं सेक्शन ए का ही। ई पार्ट अभी हमने डिस्कस किया था, अब हम चलते हैं एफ पार्ट पर। यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, लिमिट्स है, डबल इंटीग्रल है आपका, 0 से 2 लिमिट, 0 से 1 लिमिट, जहां पर 0 से 1 लिमिट y का है और 0 से 2 लिमिट x का है और आप लोगों को ये डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहां पर ये जो डबल इंटीग्रल आपका dy dx दिया हुआ है तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि dy अंदर की साइड लिखा है तो इसका मतलब पहले इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा और ये अंदर वाली ही वे लिमिट है इसकी, यानी कि y की लिमिट 0 to 1 है और x की लिमिट 0 से 2 है। तो पहले इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा और स्टूडेंट जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x वाली टर्म को आपको कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए इंटीग्रेशन करना है और जब x उसके बाद फिर x रेस्पेक्ट में होगा ट्रीट करते हुए इंटीग्रेशन करना है। चलिए करते हैं। तो स्टूडेंट जब हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो पहले तो 0 से 2 वाला इंटीग्रेशन एज इट इज और y वाले इंटीग्रेशन को अंदर ले जाते हैं, मीन्स ये x स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं dy को अंदर, dy हो जाएगा फिर प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन 3y2 dy, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और लिमिट ये है 0 से 1, ये भी 0 से 1, आफ्टर दैट हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, दैट मीन्स आपका ये जो इंटीग्रेशन करते समय जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को बाहर प्रोडक्ट में लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट में dy का हो जाएगा फिर प्लस इसमें से करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर और 0 to 1 y2 dy, लिमिट कितना है 0 to 1 ये dx। अब dy का इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होता है, dy का इंटीग्रेशन होता है y, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर y आ जाएगी तो x स्क्वायर y आ गया। इसका y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट आप फार्मूला जानते होंगे, y टू द पावर n का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कितना होता है, y टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मीन्स पावर में 1 प्लस हो जाता है और वही अपॉन में आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, y टू द पावर 2 प्लस 1, दैट मीन्स y क्यूब अपॉन 3, जो पावर आई है वही अपॉन में, और 3 ऑलरेडी था तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी ये लिमिट्स है हमारे पास y, जो 0 to 1 y की लिमिट थी, रिप्लेस कर देंगे, एक बार y की जगह पर अपर लिमिट 1 रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट, जैसे ही हम 1 रखेंगे तो यहाँ आएगा x स्क्वायर इंटू 1 और यहाँ पर रखेंगे तो ये तो 3 कैंसिल आउट हो गया, ये y क्यूब यानी कि 1 का क्यूब आ जाएगा। तो सॉल्व करके वैल्यू आपको मिलेगी x स्क्वायर प्लस 1 और जैसे ही आप y की जगह पर लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 रखने पर ये भी 0 ये भी 0, तो लोअर लिमिट 0 माइनस करने से कोई बेनिफिट नहीं है, यही वैल्यू आएगी, -0 बनेगा और तो यही आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं x के रेस्पेक्ट में बच रहा है, हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी बताया फार्मूला पावर फार्मूले से इससे करेंगे तो पावर में एक प्लस हो जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा अपॉन 3, फिर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 प्लस हो जाएगा यानी कि x अपॉन 0 प्लस 1 1, तो ये भी सॉल्व करके x आ जाएगा। अब इसमें लिमिट रख देते हैं x की प्लेस पर, एक बार 2 रखेंगे दोनों में और फिर 0 रखकर जो वैल्यू आएगी उसको उसमें से माइनस कर देंगे, तो जैसे हम 2 रखेंगे 2 क्यूब यानी कि 8/3 फिर प्लस 2 और फिर 0 रखेंगे तो दोनों ही 0 आएंगे और उसको माइनस कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओवरऑल सॉल्व करके वैल्यू 14/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एफ पार्ट का आपका सॉल्यूशन हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड ग्रेड फाइव एट द पॉइंट 2, 1, 3 वेयर फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। तो स्टूडेंट यहां पर हमसे कहा गया ग्रेडियंट फाइव निकालो, फाइंड करना है इस पॉइंट पर, फाइव फंक्शन हमें ये दिया हुआ है। तो स्टूडेंट पहले तो ग्रेडियंट फाइव की डेफिनेशन हम जान लेते हैं। ग्रेडियंट फाइव किसके इक्वल होता है, ग्रेडियंट कोई भी स्केलर फंक्शन फाइव है तो उसका ग्रेडियंट की डेफिनेशन है ग्रेडियंट फाइव इज इक्वल टू होता है डेल फाइव के। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ग्रेडियंट फाइव किसके इक्वल होता है, डेल फाइव ऑपरेटर के इक्वल होता है। डेल ऑपरेटर बताया था मैंने आपको किसके इक्वल होता है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। इसे फाइव फंक्शन दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड फंक्शन पर ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने का मतलब इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एक बार ये इस टर्म के साथ आएगा, एक बार इस टर्म के साथ आएगा, एक बार इस टर्म के साथ। मीन्स ये जब अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आई कैप डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड आएगा, फिर प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस के कैप इंटू डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड आ जाएगा। स्टूडेंट जब हम इसको डेल ओवर डेल एक्स को ऑपरेट करेंगे, मीन्स डिफरेंशिएशन करना है इसका। जैसे ही हम अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, तो यहाँ पर एक्स वाली टर्म है ये, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। क्योंकि स्टूडेंट हम फार्मूला जानते हैं एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है और पावर में से वन माइनस हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर में से वन माइनस होकर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर प्लस जब इस वाली टर्म का करेंगे वाई जेड वाली का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब एक्स को छोड़कर जो भी टर्म में दिख रहा है वो सब कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाई जेड कांस्टेंट है और पूरी टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स इस टर्म के अंदर डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2x प्लस जीरो और इनटू में आई कैप है तो ये आ जाएगा 2x आई कैप। ठीक है ना स्टूडेंट। इसी तरीके से अब हम इस वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को छोड़कर बाकी जो भी टर्म है वो कांस्टेंट रहेगी। तो जब अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफरेंशिएशन का, एक बार इसके साथ और एक बार इस टर्म के साथ, तो इसका एक्स स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स यहाँ पर इस टर्म के लिए वैल्यू आ जाएगी डेरिवेटिव करने पर जीरो। फिर इसका करेंगे प्लस वाई जेड का वाई के रेस्पेक्ट में, तो आपका जेड कांस्टेंट रहेगा तो इसलिए वो प्रोडक्ट में है तो बाहर आ जाएगा और वाई बचा वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। दैट मीन्स ये सॉल्व करके 0 प्लस जेड यानी कि जेड आएगा और इनटू में जे है तो ये वैल्यू जेड जे हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आप इसका भी कर सकते हैं सॉल्व करके वाई किया जाएगा। अब ये ग्रेडियंट फाइव निकल चुका है बट क्वेश्चन में कहा गया है ग्रेडियंट फाइव की वैल्यू 2, 1, 3 पर निकालनी है। दैट मीन्स आपको जहां पर एक्स है उसको 2 से रिप्लेस करना है एक्स की वैल्यू, वाई को 1 से और जेड को एट दिस पॉइंट फाइंड आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर अब हम एच पार्ट डिस्कस करेंगे इसका। एच पार्ट में हमें गिवन है इफ यू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। यू की वैल्यू हमें ये गिवन है और एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट जब भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना हो तो आपके माइंड में आयलर्स थ्योरम आनी चाहिए, यूलर्स थ्योरम भी बोलते हैं इसे, आयलर्स थ्योरम आनी चाहिए। आयलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर फंक्शन डायरेक्ट होमोजीनियस है तो हम इस रिलेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये एन यू के इक्वल होती है अगर यू की डिग्री एन हो, यू एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन रहा हो। अब ये होमोजीनियस फंक्शन कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट, फंक्शन जो भी हमें गिवन है उसमें जहाँ जहाँ आपका एक्स है उसको हम किससे रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, एक्स टी से, और वाई को किससे रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, वाई टी से। अगर रिप्लेस करने के बाद आपकी जो ये साइड है यू की राइट साइड, इसमें एक्स को एक्स टी वाई को वाई टी से रिप्लेस करने पर टी जो है वो टोटल कॉमन आकर बाहर यहाँ पर दिखना चाहिए। अगर यहां बाहर आ जाता है टोटल टर्म के बाहर और अंदर जैसे ही टर्म है कॉमन लेने के बाद जैसा था यू वैसे ही बचना चाहिए, तो उस केस में यू होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा जितनी टी की पावर कॉमन आ रही है उतने डिग्री का। पर यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक्स को एक्स टी से वाई को वाई टी से रिप्लेस करेंगे तो ऊपर टी दोनों में बन जाएगा, नीचे रूट टी बन जाएगा, कॉमन आकर टी ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे रूट टी कॉमन आएगा, तो टी की पावर हाफ ऊपर बच जाएगा और जो बिल्कुल बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये कॉस इनवर्स के अंदर है तो ये बाहर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये एज इट इज़ होमोजीनियस नहीं है। तो उसके केस में हमें क्या करना है, ये आयलर थ्योरम का डिडक्शन इस्तेमाल करना है। डिडक्शन क्या कहता है अभी हम सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है यू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इस फंक्शन के लिए हमें एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि यू डायरेक्ट अगर होमोजीनियस फंक्शन बनता है
यू एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बनता है। डिग्री कहाँ से कंफर्म होगी? वो टी की पावर जो कॉमन आएगी उससे। पर यहाँ तो टी की पावर टोटल के बाहर नहीं आ पाएगी, अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसलिए ये एज इट इज होमोजीनियस नहीं बन रहा है। अगर बनता तो इसकी डिग्री हम इसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते थे एन यू के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन एक्स माइनस वाई होता, तो अगर हम यहाँ पर डिग्री या होमोजीनियस ये है या नहीं चेक करना चाह रहे हैं तो हमें एक्स को रिप्लेस करना होगा एक्स टी से और वाई को रिप्लेस करना होगा किससे? वाई टी से। तो जैसे ही हम यहाँ राइट साइड रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर दिखाई देगा प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर दिखाई देगा और नीचे एक्स टी माइनस वाई टी दिखाई देगा और ऊपर से हम देख रहे हैं टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से टी कॉमन आ जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा था वो ऊपर बन जाएगा और नीचे जैसा एक्स माइनस वाई था वो बन जाएगा और कॉमन आकर टी की पावर आपको 1 दिखाई देगी कॉमन, बाकी जैसा फंक्शन था एज इट इज वही बन जा रहा है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया क्योंकि जैसा यू था वैसा ही बन गया और पावर कितनी कॉमन आ गई 1, तो इसलिए ये 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन चुका है। ठीक है, और अगर ये 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है और इस क्वेश्चन के लिए यानी कि यू की इस वैल्यू के लिए आपको कहा जाए कि इसकी वैल्यू निकालो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की, अगर यू ये गिवन है तो आपको सॉल्व करने का पूरा जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये आयलर थ्योरम से एन यू के इक्वल होगा और एन आपका क्या है, ये जो पावर आई है टी की पावर एन, तो एन यहाँ पर 1 है तो आप 1 रख देंगे और ये रिजल्ट इक्वल टू यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब लगेगा? पर जब फंक्शन एज इट इज होमोजीनियस बने यानी कि एक्स को एक्स टी और वाई को वाई टी से रिप्लेस करने पर टी की पावर टोटल में से एज इट इज कॉमन आ जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर अगर हम यू की वैल्यू देख रहे हैं तो वो कॉस इनवर्स ऑफ रूट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई है। इसमें एक्स को एक्स टी वाई को वाई टी से रिप्लेस करेंगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर ही टी रह जाएगा, बिल्कुल बाहर यहाँ पर नहीं आ पाएगा, इट मीन्स फंक्शन जैसा था वो वैसा नहीं बन पाएगा, इसलिए एज इट इज होमोजीनियस नहीं है। तो इसके लिए हमें आयलर थ्योरम का डिडक्शन यूज करना होगा। वो क्या कहता है, आपको पहले यहाँ से कॉस इनवर्स वाली टर्म को यहाँ से रिमूव करो और इसे राइट साइड ले जाओ, तो कॉस इनवर्स को हम इधर ले जाएंगे तो ये कॉस यू हो गया। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है अगर ये होमोजीनियस बन रहा है तो डिडक्शन फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको पहले इसकी डिग्री निकालनी होगी होमोजीनियस फंक्शन की। वो कैसे निकलेगा, अभी बताया मैंने कि एक्स को एक्स टी से वाई को वाई टी से रिप्लेस करो तो सॉल्व करके जो आएगी पावर, या ये सीधा सीधा देख सकते हैं ऊपर से कितने डिग्री की टर्म बन रही है दोनों, ये 1 डिग्री की टर्म है और दोनों में पावर कितनी है वो उसकी टर्म हो जाएगी, यानी कि इसकी भी पावर 1/2 इसकी भी, तो टोटल डिग्री हो जाएगी 1 ऊपर की डिग्री माइनस नीचे की डिग्री 1/2, तो सॉल्व करके डिग्री कितनी आ जाएगी 1/2। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन राइट साइड है जो कि कॉस यू के इक्वल है, ये कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का, 1/2 डिग्री का, तो एन की वैल्यू आपको 1/2 मिल गई है। और ये जो लेफ्ट साइड फंक्शन यू की फॉर्म में दिख रहा है ये आपका एफ यू होगा, ये किसकी वैल्यू होगी, एफ यू की। तो आयलर थ्योरम फार्मूला क्या कहता है, डिडक्शन फार्मूला, कि अगर एफ यू होमोजीनियस फंक्शन बनता है एन डिग्री का तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होता है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। उसके लिए आपका एफ यू क्या हो गया यहाँ पर, कॉस यू। अगर एफ यू आपका कॉस यू हो गया है तो एफ डैश यू किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव, कॉस यू का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन यू, तो यहाँ पर कॉस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू आ जाएगा। तो ये वैल्यूज दोनों यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, एन की वैल्यू आपकी 1/2 आई थी, एफ यू की वैल्यू आपकी कॉस यू थी, एफ डैश यू की वैल्यू आपने अभी निकाली है माइनस साइन यू, ये रिप्लेस कर देंगे तो सॉल्व करके वैल्यू माइनस 1/2 कॉट यू आ जाएगी। तो ये इसका कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, इसलिए कॉट यू माइनस कर देंगे माइनस 1/2। तो इस तरीके से ये आपका एच पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट आई पार्ट, दैट इज फाइंड डी यू अपॉन डी टी इफ यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी वाई इज इक्वल टू बी साइन टी। तो यू गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया यहाँ पर हम देख रहे हैं यू की वैल्यू एक्स की फॉर्म में और वाई की फॉर्म में है, देन एक्स टी की फॉर्म में है जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और वाई भी किसकी फॉर्म में, टी के। दैट मीन्स यू से टी तक पहुँचने के दो रास्ते बन रहे हैं, एक बार एक्स से होकर और एक बार वाई से होकर, इसलिए ये डेरिवेटिव जो टी के रेस्पेक्ट में यू का होना है वो दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक बार यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर एक्स का टी के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस यू का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और फिर वाई का टी के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट आप इसके लिए आप फार्मूले में देख सकते हैं डी यू अपॉन डी टी निकालने के लिए हमें ये चारों वैल्यूज की जरूरत है, तो एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। एक तो हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, तो इस यू का हम पार्शियल डेरिवेटिव जब एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट, तो एक्स के रेस्पेक्ट में 3x³ का करेंगे तो पावर फार्मूले से पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक्स क्यूब का हो जाएगा एक पावर लेस होकर एक्स स्क्वायर। फिर x के रेस्पेक्ट में इस टर्म का करेंगे पार्शियल है, तो पार्शियल डेरिवेटिव जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट रहता है, तो जब इस वाले पार्ट में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा x के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट रहेगा और इसका डेरिवेटिव जीरो, तो इट मीन्स ये टर्म सॉल्व करके डेल यू अपॉन डेल एक्स 3x² आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट जब आप डेल यू अपॉन डेल वाई सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3y²
तो ये दोनों वैल्यू हम इसकी प्लेस पर वहाँ रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट टर्म में। और स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डी एक्स अपॉन डी टी, मीन्स एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो ये एक्स हमारा ए कॉस टी, इसका टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ए तो कॉन्स्टेंट और कॉस टी का माइनस साइन टी, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ए साइन टी। और y वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो b कांस्टेंट और इसका sin t का डेरिवेटिव cos t, तो इसका यानी कि y का t के रेस्पेक्ट में b cos t। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप देख सकते हैं, जब हम ये दोनों वैल्यूज यहां पर रिप्लेस करेंगे, डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी बताई थी आप लोगों को मैंने, 3x2, तो इसकी प्लेस पर 3x2 आ जाएगा। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी, माइनस ए साइन टी, तो यहाँ पर माइनस ए साइन टी। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू 3y2, वो रिप्लेस कर दी। डी वाई बाई डी टी, वाई का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आया था स्टूडेंट, ये हमारा बी कॉस टी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी बी कॉस टी। अब क्वेश्चन में जो जो आपको दिया था, एक्स की वैल्यू क्या दी थी, ए, ये क्वेश्चन में गिवन थी x इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इक्वल टू बी साइन टी, तो ये हमने इनकी प्लेस पर रिप्लेस कर दिया, x की प्लेस पर ए कॉस टी, वाई की प्लेस पर बी साइन टी, सिंप्लीफाई किया आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब आपके सेक्शन ए का लास्ट पार्ट यानी कि जे क्या है, फाइंड द एरिया लाइन बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर एंड अबो द लाइन y इक्वल टू x, मीन्स हमें एरिया फाइंड आउट करना है जो पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर और लाइन y इक्वल टू x के इन बिटवीन लाई करता हो। तो पहले तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को फार्मूला बता दूं, फार्मूला अगर हमारा कोई भी रीजन है तो ये रीजन R है और इससे बाउंड होने वाला हमें एरिया निकालना है, तो एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला डबल इंटीग्रल की हेल्प से होता है, एरिया ओवर द रीजन R इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R ऑफ dx dy, मीन्स हमें ये डबल इंटीग्रल dx dy सॉल्व करना है किसके लिए, ओवर द रीजन, जो भी रीजन है जिसका एरिया निकालना है उस रीजन के हेल्प से। और r यहाँ लिखने का मतलब क्या है कि इस रीजन जो बाउंड हो रहा है जिन बाउंड्री से उससे हमें लिमिट निकालनी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इजी वे में इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, फिर से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन में कहा, तो इन दोनों से बाउंड होने वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला मैंने बताया एरिया क्या होता है, डबल इंटीग्रल dx dy या dy dx भी लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल dy dx भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एरिया इन दोनों से बाउंड होने वाले पोर्शन का निकालना है जो दो ये कर्व दिए हुए हैं। तो इसके लिए आपको ये तो बोला ही गया है कि पैराबोला है, तो इस पैराबोला को हम ड्रॉ करेंगे, तो पैराबोला ये आ जाएगा y इक्वल टू, क्या पैराबोला है, y इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर और y इक्वल टू x एक लाइन है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम ड्रॉ करने से पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों को सॉल्व करके। सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों y की वैल्यू को इक्वल रख दो, तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर y की प्लेस पर x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x उधर जाकर इसमें से माइनस होकर 3x माइनस x स्क्वायर, उसमें से फिर इसके बाद क्वेश्चन देख सकते हैं स्टूडेंट, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो 3 माइनस x इंटू x इज इक्वल टू 0, तो दोनों की प्रोडक्ट 0 आ रही है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दैट मीन्स दो पॉसिबिलिटी है, x 0 और 3 माइनस x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज क्या क्या मिलती है स्टूडेंट यहाँ से हमें, एक तो 0 और x इक्वल टू 3, तो स्टूडेंट ये आपको लिमिट x की मिल जा रही है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको y की लिमिट चाहिए, तो y की लिमिट ये वैल्यूज आपको दिखी रही है, ये y की लिमिट, एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है ये। अगर दो कर्व से बाउंड होने वाले पोर्शन का एरिया निकालना है तो आपको ड्रॉ वॉ करने की अगर टेंशन है तो उसे भूल जाइए, उसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हैं सीधा सीधा आप दोनों वाई की जो वैल्यूज हैं गिवन, उनमें से एक वाई की वैल्यू को लोअर लिमिट में रखिए और एक वाई की वैल्यू को अपर लिमिट में, और जो ये आपने एक्स सॉल्व करके निकाला है क्योंकि x की लिमिट चाहिए, तो x की लिमिट के लिए दोनों y की वैल्यू को इक्वल रखते हुए x सॉल्व करके निकालिए। अभी हमने सॉल्व किया x 0 और 3 आया था, तो एक 0 वाली वैल्यू कम है वो लोअर लिमिट में और 3 वाली अपर लिमिट में रख कर आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कैसे करना है, जो लिमिट में वेरिएबल दिख रहा है, जैसे यहाँ y की वैल्यू निकाली है आपने, लिमिट रखी है x और एक 4x माइनस x स्क्वायर, तो इसमें से जो लिमिट में वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पर इस लिमिट में y वैल्यू वैल्यू में x वेरिएबल फॉर्म में दिख रहा है, तो पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो dy का इंटीग्रेशन स्टूडेंट करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, y के। इसमें एक बार अपर लिमिट रखेंगे y की प्लेस पर 4x माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे y की जगह पर तो x आ जाएगा, वो माइनस कर देंगे, उसके बाद x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे स्टूडेंट, तो 4x में से तो 4 x में से 4 कांस्टेंट और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ये तो पहले x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x माइनस x 3x माइनस x स्क्वायर, उसके बाद इंटीग्रेशन किया है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, x क्यूब का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x क्यूब बाय 3, इसमें एक बार अपर लिमिट 3 रखेंगे, माइनस फिर कर देंगे 0 लोअर लिमिट रखने के बाद, तो सॉल्व करके आपको आंसर ये मिल जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा गया है, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, तो स्क्वायर यूनिट होगी, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज तो नहीं, तो लॉन्ग प्रोसेस है इसका डायग्राम प्रोसेस ड्रॉ करने में, ड्रॉ अप करने में डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा,
ये पैराबोला किस टाइप का बनेगा। तो उसके लिए आपका y इक्वल टू, ये एक शॉर्ट वे में कंप्लीट हो चुका है, अब लॉन्ग वे में डिस्कस करें पूरा डायग्राम ड्रॉ करके। y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। अब किसी का ये भी सोचना होगा, सर हमने y की लोअर लिमिट x रखी है, अपर लिमिट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने बताया कि कोई एक वैल्यू लोअर में रखनी है लिमिट में और कोई अपर में, तो अगर हमने रिवर्स कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा यानी कि एरिया नेगेटिव आ जाएगा। तो स्टूडेंट उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप या तो यहाँ पर अगर आपको लास्ट में आंसर नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो आप यहीं पर पहले से ही वापस आकर माइनस माइनस लगा दीजिए और प्लस कर लीजिए, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो या फिर आपको लास्ट में एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव करके नेगलेक्ट कर देना नेगेटिव साइन। तो एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका है आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको थोड़ा सा लेंथी काम करना पड़ेगा। कर्व की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा पैराबोला की इक्वेशन के लिए। तो पैराबोला की इक्वेशन चार तरह की आप जानते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, और ये प्लस में और माइनस में, टोटल चार प्रोसेस फॉर्म की होती है। तो इसमें से आपका जो 2 डिग्री की टर्म है उसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो यहाँ पर ये x की पावर में 2 डिग्री की टर्म दिख रही है x की फॉर्म में, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। y इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें x के कोफिशेंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो x के कोफिशेंट का हाफ कितना हो जाएगा 2, उसका स्क्वायर कितना होगा 4, वो इसमें प्लस कर देंगे 4 और 4 माइनस। तो आप देख सकते हैं ये टोटल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू आप देख सकते हैं सॉल्व करके, ये बन जाएगा y इक्वल टू माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये y इक्वल टू 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो आपका आएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर नेगेटिव में, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस 4। अब अगर इसको हम कैपिटल x कंसिडर कर लें और इसको कैपिटल y, तो आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई की फॉर्म बन गई, जो कि पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay की फॉर्म। इट मीन्स ये पैराबोला किस तरीके से ट्रेस आउट होता है, आपने 12th में पढ़ा भी होगा, ये पैराबोला किस तरीके से ट्रेस आउट होता है, इस तरीके से ट्रेस आउट होता है, और इसका वर्टेक्स कहाँ होता है 0, 0 पर। इट मीन्स इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, x इक्वल टू 0 पर और y इक्वल टू 0 पर। और x किसके इक्वल लिया हुआ है आपने, x की प्लेस पर क्या लिया हुआ है, x माइनस 2 स्मॉल, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और कैपिटल y की प्लेस पर y माइनस 4, तो यहाँ पर ये 0, तो इसका मतलब x कितना आ गया 2 और y कितना आ गया 4। इट मीन्स ये एक ऐसा पैराबोला होगा जो ड्रॉ ऐसे होगा पर इसका वर्टेक्स कहाँ चला जाएगा, 2, 4 पर। तो 2, 4 पर वर्टेक्स वाला ये पैराबोला आपका आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये पैराबोला आपको ड्रॉ कर देना है, और ये पैराबोला इस लाइन को कहाँ क्रॉस कर रहा था, वाई इक्वल टू एक्स लाइन तो होकर जाती है कहाँ पर, एक्स एक्सिस से, ओरिजिन से पास होकर जाती है एक्सिस से 45 के एंगल पर, ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद ये दोनों कहाँ क्रॉस कर रहे थे, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था 0 और 3 पर, तो x इक्वल टू 0 और यहाँ कहीं पर x इक्वल टू 3 पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। वर्टेक्स आपने निकाला ही है 2, 4, तो इस तरीके से ये पैराबोला ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आपको लिमिट आइडेंटिफाई एग्जैक्ट करनी है, तो आप स्ट्रिप इसमें पैरेलल टू इस रीजन का एरिया अंदर का निकालना है, तो इसके अंदर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्ट्रिप का लोअर एंड जिस बाउंड्री को टच कर रहा है, स्ट्रिप का लोअर एंड आ रहा है वाई इक्वल टू एक्स लाइन पर, इसकी इक्वेशन से जो वाई मिलेगा वो वाई की लोअर लिमिट, दैट मीन्स वाई इक्वल टू एक्स वाई की लोअर लिमिट। स्ट्रिप का अपर एंड किस बाउंड्री पर आ रहा है, पैराबोला पर, तो इससे वाई जो मिल रहा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई की अपर लिमिट हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रिप की एक्स की लिमिट आइडेंटिफाई करनी है, तो स्ट्रिप को अपर एंड इसे और लोअर एंड इसे लाइन को टच करते हुए पैरेलल चलाइए, सबसे लेफ्ट में कहाँ तक जाएगा इस एरिया के अंदर, ओरिजिन तक, तो ओरिजिन पर एक्स कितना है 0, तो लोअर लिमिट एक्स की 0 हो जाएगी। इन्हीं दोनों को टच करते हुए सबसे राइट में कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, यहाँ पर एक्स कितना है 3, तो एक्स की अपर लिमिट 3 हो जाएगी। इस तरीके से ये लिमिट आई है, और उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपको दोनों ही वे मैंने बता दिए, शॉर्ट वे शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट, आप किसी से भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है 2019-20 का, इसके सेक्शन ए का जो सॉल्यूशन है वो आपका डिस्कस हो जाता है, ठीक है, सेक्शन ए पार्ट का। अब 19-20 के ही पेपर का सेक्शन बी का सॉल्यूशन आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।